स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज हम जानेंगे अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग क्या है, क्यों करते हैं और घर के लिए अर्थिंग करना क्यों आवश्यक है। साथ में दोस्त हम ये भी जानेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार का है और अर्थिंग के वायर में करंट कब और क्यों आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम समझ लेते हैं अर्थिंग का मतलब क्या होता है। तो अर्थिंग एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी भी उपकरण का अर्थिंग कर देने के बाद अगर उसमें कहीं से करंट आता है, चाहे वो फेज के वायर टच होने से हो या न्यूट्रल की वायर टच होने से हो, तो अगर कोई इंसान उसे टच करता है तो उसे करंट की शॉक नहीं लगता है। यानी उसके बॉडी पे जो भी करंट फ्लो करता है वो अर्थिंग के द्वारा अंडरग्राउंड हो जाता है। यानी जो करंट उस उपकरण के ऊपर फ्लो करता है वह अर्थिंग वायर के द्वारा अंदर चला जाता है धरती के। तो इस कारण से दोस्त उससे हमें कोई शॉक नहीं लगता है। और सिंपल भाषा में कहें तो दोस्त यह एक प्रकार का सुरक्षा है जो उपकरण और साथ में इंसान को भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए दोस्त ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके यहाँ जो भी उपकरण है उसका अर्थिंग ज़रूर करें। अब दोस्त हम इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं। ये आपको तीन तरह का दिखाई दे रहा है, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग कैसे करते हैं दोस्त, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। केमिकल अर्थिंग क्या होता है दोस्त, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो के अंत में वो वीडियो मिल जाएगा तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब समझ लेते हैं दोस्त जो अर्थिंग है वो कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है दोस्त। कोई भी जो मशीन होता है उसमें हमारा अगर सिंगल फेज का है तो उसमें तीन वायर जाता है, एक हमारा रेड होता है, एक ब्लैक होता है और एक ब्लू कलर का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें एक हमारा रेड कलर का है जो फेज है, एक ब्लू कलर का है वो न्यूट्रल है और एक ग्रीन कलर का है जो हमारा इसके बॉडी से टच हुआ है। दोस्त ये अर्थिंग का वायर हो गया जो इसके बॉडी से कनेक्ट है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर कोई भी वायर इन दोनों में से, फेज या न्यूट्रल, इसके बॉडी में अगर टच हो जाता है तो इसके चारों तरफ करंट फ्लो करने लगेगा और कोई भी इंसान इसे टच करेगा तो उसको जोर की शॉक लगेगी। तो इससे बचने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, यानी जो भी करंट इसके ऊपर फ्लो होगा वह इस अर्थिंग वायर के द्वारा अंडरग्राउंड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्त हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि जब हम कोई भी उपकरण बिना अर्थिंग का चलाते हैं तो उससे हमारा क्या नुकसान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर है और यहाँ से सप्लाई आ रही है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस है और इसमें अर्थिंग किया नहीं है। एक हमारा फेज का वायर आ रहा है, एक न्यूट्रल का वायर आ रहा है और इसमें गलती से क्या हुआ कि एक वायर जो है इसके बॉडी से कनेक्ट है और कोई इंसान इसमें टच कर रहा है, इस उपकरण को ये इंसान टच कर रहा है तो करंट जो है इसके बॉडी से होके अंडरग्राउंड हो रहा है। अंडरग्राउंड इसलिए हो रहा है दोस्त क्योंकि जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसका न्यूट्रल भी, यानी उसका न्यूट्रल भी अंडरग्राउंड होता है। तो इस कारण से दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है ये भी यहाँ पे अर्थिंग किया रहता है, जिस करंट जो है दोस्त इसके बॉडी से होते हुए अंडरग्राउंड होता है और इस तरह से ये क्लॉज पाथ क्रिएट करता है। जैसे कि दोस्त आप बगल वाली चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लाइन जा रहा है दोस्त और इस उपकरण जो भी है दोस्त ये अंडरग्राउंड नहीं किया गया, अर्थिंग नहीं किया गया है, जिसके कारण से दोस्त करंट जो है इसके बॉडी से होते हुए अंडरग्राउंड हो रहा है। अब दोस्त हम अर्थिंग कर लेते हैं तो उससे हमारी क्या सेफ्टी होती है इस डायग्राम में हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है दोस्त, इसका भी अर्थिंग किया हुआ है और यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इसे भी अर्थिंग किया हुआ है। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं दोस्त, यहाँ से हमारा फेज जो है आ रहा है और इसके बॉडी में टच हो रहा है। जब बॉडी में टच हो रहा है तो जो अर्थिंग वायर है दोस्त, इस अर्थिंग वायर के माध्यम से जो करंट है वो धरती के अंदर चला जा रहा है और जिसके कारण से दोस्त ये जो इंसान है इससे टच कर रहा है लेकिन इससे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग रहा है। तो इसलिए दोस्त कोई भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट है उसकी अर्थिंग करना चाहिए। अगर गलती से भी अगर फेज या न्यूट्रल कोई वायर इसमें कट के सट जाता है या कोई वायर टच हो जाता है तो किसी कारण से करंट उसके ऊपर फ्लो करने लगेगा, हमारे घर का बच्चा या बूढ़ा या कोई भी इंसान उसको टच करेगा तो उससे जोर की शॉक लगेगी। तो इन सभी से बचने के लिए दोस्त हम अर्थिंग करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्त, ये इलेक्ट्रिकल एक कुकर है, इसमें एक हमारा फेज का वायर है, एक न्यूट्रल की वायर है और साथ में अर्थिंग किया हुआ है। अगर ये वायर जो है पीला कलर का इसके बॉडी में भी टच हो जाता है तो जो करंट इसके ऊपर फ्लो होगा वो करंट इस अर्थिंग के माध्यम से
चला जाएगा, यानी अंडरग्राउंड हो जाएगा और इंसान को कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं रहेगा। अब दोस्त हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग के वायर में करंट कब और क्यों आता है। तो अर्थिंग के वायर में करंट और उस कंडीशन में आता है दोस्त कि आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है और ये जो वायर है दोस्त ये अगर बीच में कहीं ब्रेक हो जाता है तो उस कंडीशन में करंट जो है इसके बॉडी से होते हुए इस वायर में आएगा। लेकिन अगर ये अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, ये वायर टूटा हुआ है और अंडरग्राउंड केबल नहीं होगा, उस कंडीशन में दोस्त यहाँ जो है करंट आपको अर्थिंग वायर में दिखाएगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपके यहाँ जो अर्थिंग वायर है, अगर आपके यहाँ भी अर्थिंग वायर में अगर करंट आ रहा है दोस्त, टेस्ट पेन से चेक करने पे इंडिकेशन अर्थिंग वायर में आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है दोस्त कि जो अर्थिंग का वायर आपने कनेक्ट किया है इलेक्ट्रोड में, क्या वो सही से कनेक्ट है या नहीं है। जब वो बढ़िया से कनेक्ट नहीं होगा दोस्त, उसी कंडीशन में यानी फेज या न्यूट्रल कोई वायर उसके बॉडी पर टच होगा, जिसके कारण से इसके ऊपर करंट आएगा और जो अर्थिंग का वायर है दोस्त वो बढ़िया से कनेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रोड में, इस कारण से इसमें करंट आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको दोस्त ये चेक कर लेंगे और बढ़िया से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थिंग में अगर इंडिकेशन आ रहा है, करंट आ रहा है, तो वह सोल्व हो जाएगा। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।